पांडे जी ने अलख जगाया था, अलख जगाने का परिणाम आया कि उनके विधानसभा क्षेत्र जहां के वो प्रभारी बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ का नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र, हम बात झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलखनाथ पांडे के कर रहे हैं। उन्हें पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था वहां नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में बतौर प्रभारी बनाकर भेजे गए थे। वो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके में है, जो क्षेत्र आज तक विकसित नहीं हुआ है, आज भी लोग समस्या से आजीज है वहां पर। अलखनाथ पांडे लंबे दिनों तक रहकर वहां पर पार्टी का प्रचार किया, उनके द्वारा किया गया, उन्होंने समस्या को देखा, लोगों को उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप जिस समस्या से दो चार हर रोज हो रहे हैं, इस समस्या का समाधान भाजपा द्वारा ही किया जा सकता है। लोगों ने उनकी बातों को तवज्जो दिया, आलम हुआ कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे वहां पर केदार कश्यप, वो चुनाव जीत गए। उनके साथ साथ ही जो राज्यों में परिणाम आया, भाजपा वहां पर चुनाव दर्ज की, जीत हासिल की पार्टी ने, उसे लेकर खासा उत्साहित हैं अलखनाथ पांडे। उनके द्वारा इस परिणाम को लेकर के और आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। हम चारों तरफ यह कहे कि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हमको भेजा गया था, नारायणपुर जिला और विधानसभा के हम प्रभारी थे, तो उसका असर लोगों पर दिखता था। लोग निराश थे, लोग उदास थे, लोग पश्चाताप कर रहे थे कि हमने यह भाजपा की सरकार क्यों बदली। हम लोग ठीक से चीज को संजो के और लोगों को उचित और सही जानकारी देकर आ रहे थे। हमको पूरा एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ, यह जरूर कहेंगे कि शुरुआती दौर में इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से भी एक तरह का एक तरफा रिजल्ट जो आया है, हमको लगता था कि या तो वहां के दुष्प्रचार से या इतने पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी, इसकी उम्मीद हम लोग नहीं किए थे। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार की उम्मीद तो थी ही। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था, भ्रष्टाचार एकदम सर चढ़ के बोल रहा था, कानून व्यवस्था खराब हो गई थी, लोगों का मूलभूत सुविधा का अभाव था, तो उसका असर तो दिखना ही था रिजल्ट। लोग कर रहे थे उनके विपरीत। देखिए, विपक्ष को हमको लगता है कि अभी भी आत्मलोकन करने की जरूरत है। आप देखिए कि इस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के बाद बहुत ऐसे राजनीतिक रूप से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में लगातार पांचवी बार, आज तक भारत के इतिहास में इस तरह के चुनाव परिणाम बहुत कम आते हैं। यह दर्शाता है कि अगर लीडर अच्छा हो, अगर उसका नियत सही हो और दल जो जनता का काम करना चाहती हो, तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। गुजरात के में आप देख लीजिए, लगातार छठी बार सरकार बनी है, यहाँ लगातार पांचवी बार सरकार बनी है। विपक्ष ने जाने कितना दुष्प्रचार कर रहा था, लेकिन पब्लिक जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा ऐसा कोई दल नहीं है जो उनके बारे में सोचता हो, तो पब्लिक उस हिसाब से रिजल्ट देती है। स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि लोकसभा 24 में तो फिर से जितना सीट आया उससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को आएगा, क्योंकि विपक्ष के कारनामों को सब लोग देख रहा है। और हमको लगता है कि संगत से गुण भी होता है। अब आप देख लीजिए कि नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो कितना अच्छा काम कर रहे थे, आज बीजेपी से हट गए तो भाषा बोली काम कैसा हो गया। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी दल है जो सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्गों का ख्याल करती है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस पर पार्टी का नजर नहीं हो या उनके भला के लिए काम नहीं करती। तो फिर आदमी दूसरे के पास, दूसरा दल जो आपस में लड़ रहा है वो, या दूसरा दल जो गठबंधन इसलिए बना रहा है कि हमको भाजपा को हराना है, या अपना कुछ नीति नियत तो बताओ कि क्यों हराना चाहते हैं। उनको संगठित होके वोट का कैलकुलेशन करके हटाना चाहते हैं, वो कोई एजेंडा तो लेके आवे कि इसी एजेंडे पर हम काम करेंगे, भाई जीतने के बाद यही एजेंडा हमारा है। इसलिए 24 का लोकसभा का चुनाव तो और ज्यादा विक्ट्री से हम लोग जीतेंगे, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। एकदम बगल का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ में, के लोग को जो पब्लिक देख रही है, यहाँ भी जो सरकार है, यहाँ भी हमको लगता है कि अब तो क्षेत्रीय दल के जाने का समय आ गया। हम ये भी कहेंगे कि क्षेत्रीय दल से लोग, आप तेलंगाना में देख लीजिए, क्षेत्रीय दल का खत्म हो गया। तो हमको लगता है कि और यह ज्यादा उचित है, भारत के लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि वैसे लोगों से, लोगों को छुटकारा मिले जो परिवारवाद या जो व्यक्तिवाद से पार्टी संचालित करते हैं, और उसका छत्तीसगढ़ का पूरा से झारखंड पड़ेगा।